मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। हेल्थ कनाडा का 3 नई वैक्सीन के इस्तेमाल पर गौर। वैक्सीन की जल्द फराहमी शुरू किए जाने का इम्कान। कनाडा में जंगलात में लगी आग ने हुकाम को तश्वीश में मुब्तला कर दिया। वफाकी वजीर का कहना है कि हमें मुमकिन जलजलों के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ किस्म की आफात के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। संगीन माली बहरान का सामना। टोरंटो सिटी काउंसिल ने नए टैक्स मुतारिफ करा दिए। मेयर टोरंटो का कहना है कि हम एक साथ मजबूत हैं। चीन में रिकॉर्ड तूफानी बारिशें। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। 36,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मजमूई बारिश का पानी 469 मिलीमीटर या 18 इंच तक जमा हुआ। रूसी वजारत खारजा का अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन के दौरा यूक्रेन पर रद्द अमल। रूस का कहना है कि यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद से हमारे फौजी ऑपरेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। अमरीका का यूक्रेन के लिए मजीद $1 अरब इमदाद का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Health Canada 3 नई वैक्सीन पर गौर कर रहा है जो खास तौर पर वायरस की जेली किस्म ओमिक्रॉन को निशाना बनाने के लिए तैयार की गई है। इब्तदाई अलामात के साथ जो ये बताते हैं कि कोविड 19 केस लोड आने वाले हफ्तों में बढ़ने के लिए तैयार है। हेल्थ कनाडा 3 नई वैक्सीन पर गौर कर रहा है जो खास तौर पर वायरस के एक ओमिक्रॉन जेली किस्म को निशाना बनाने के लिए तैयार की गई है। महकमे का कहना है कि फाइजर और मॉडर्ना की तरफ से नई mRNA वैक्सीन एक महीनों के जायजे के अमल का हिस्सा है और सप्लाई मौसम खजा में शुरू हो सकती है। तीसरी मैरीलैंड में मुकीम वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स की नॉन mRNA प्रोडक्ट भी हेल्थ कनाडा के रेडार पर है, लेकिन महकमे को अभी तक कंपनी की तरफ से कोई बाज़ाब्ता जमा करवाने की इतला मौसूल नहीं हुई है। वो टाइमलाइन इसी तरह की है जिसकी मंसूबा बंदी सरहद के जुलूम में की गई है। अमरीका सितम्बर के आखिर में एक अपडेट शुदा कोविड बूस्टर जारी करने के लिए तैयार है जब वहाँ के रेगुलेटर्स नए शॉट्स पर दस्तखत कर देते हैं। ये नई वैक्सीन 1.5 ओमिक्रॉन XBB सब वेरिएंट के लिए बनाई गई है जो अब वसी पैमाने पर गर्दिश में है। जब उनसे पूछा गया कि मुल्क को उनकी मसनूआत की कितनी खुराकें मिलने वाली हैं, तो हेल्थ कनाडा के तर्जुमान ने दुरुस्त आदाद शुमार नहीं बताए, लेकिन मीडिया के एक बयान में कहा कि mRNA वैक्सीन की नई तश्कील की काफ़ी फराहमी होगी। फाइजर के CEO अल्बर्ट बॉर्ला ने कहा कि जैसे ही रेगुलेटर्स उनके इस्तेमाल की इजाज़त देते हैं, कंपनी के शॉट्स तैनात किए जाने के लिए तैयार हैं। हेल्थ कनाडा ने कहा कि नोवावैक्स की प्रोटीन पर मबनी XBB कोविड वैक्सीन उम्मीदवार इस साल के आखिर तक दस्तियाब नहीं होगी, इजाज़त नामा जारी है। महकमे ने कहा कि ये शॉट उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है जो mRNA वैक्सीन हासिल करने के लिए तैयार नहीं है या इससे कासिर है। अगरचे रिपोर्ट शुदा कोविड 19 केसेस की तादाद माजी के मुकाबले में बहुत कम है, कुछ एजेंसीज खासतौर पर पब्लिक हेल्थ ऑनटेरियो ने मुस्बत टेस्ट के नतज में इजाफे की इतला दी है। सूबे में 13 अगस्त से 19 अगस्त के दरमियान कराए गए तकरीबन 12,700 टेस्ट में से 9.9% मुस्बत वापस आए, जो जुलाई के अवाइल में 5.2% मुस्बत शरह से काफी जायद है। PHO के मुताबिक केसेस की तादाद अप्रैल 2023 के आखिर से मई के आखिर तक मुस्तहकम रही।
जून के आखिर तक नीचे की तरफ रुझान रहा और हालिया हफ्तों में रुझान में तेजी आने के साथ मजमूई तौर पर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कनाडा का जंगल की आग का रिकॉर्ड कायम करने वाला मौसम वफाकी हुकूमत को इस बात पर गौर करने की तरगीब दे रहा है कि मुस्तकबिल में लगने वाली आग सैलाब और जलजलों से कैसे निपटा जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा का जंगल की आग का रिकॉर्ड कायम करने वाला मौसम वफाकी हुकूमत को इस बात पर गौर करने की तरगीब दे रहा है कि मुस्तकबिल में लगने वाली आग सैलाब और जलजलों से कैसे निपटा जाए। हंगामी तैयारी के वजीर हरजीत सजर ने कहा है कि इसका मतलब तबाही से निमटने के लिए ज्यादा कौमी नुक्ता नजर हो सकता है। हुकूमत ने 6 सूबों और इलाकों में जंगल की आग से निमटने के लिए वफाकी फंडिंग में $65 मिलियन का ऐलान किया है। सजर ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिसमें वफाकी काबीना के कई दीगर बुजुर्ग और अरकीन पार्लियामेंट शामिल थे, हम तमाम मुख्तलिफ किस्म की आफात को देख रहे हैं, सीखे गए सबक पर अमल कर रहे हैं और हम मुनासिब रद्द अमल के साथ सामने आएंगे। हरजीत सजन का कहना था कि मैं कहूंगा कि इस वक्त तमाम ऑप्शंस मेज पर हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक आपके लिए कोई जवाब नहीं है। वजीर ने कनाडा की जानिब से जंगल की आग से लड़ने के लिए कौमी फौज बनाने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम जंगल की आग को देख रहे हैं, हाँ, लेकिन हमें सैलाब को भी देखने की ज़रूरत है। हमें मुमकिन जलजलों के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। आग बुझाना बड़ी हद तक सूबाई जिम्मेदारी है, लेकिन कई सूबों ने इस जंगल की आग के मौसम में कनाडा के मुसल्ला अफवाज से वफाकी मदद की दरख्वास्त की है। उन्होंने अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील और मैक्सिको जैसे ममालिक से हजारों बैन अलाक्वामी फायर फाइटर्स को भी तलब किया। वफाकी हुकूमत की ताज़ा तरीन पेशन गोई में कहा गया है कि कनाडा का 2023 में पहले से ही बेमिसाल जंगल की आग का मौसम खिजा या मौसम सरमा के आखिर तक जारी रह सकता है। तवानाई और कुदरती वसाइल के वजीर जोनाथन विलिंगसन ने कहा कि मशरकी अल्बर्टा से वस्ती अंटारियो तक कम अज कम इस माह के आखिर तक जंगलात में आग लगने की सरगर्मियां बढ़ने का इम्कान है, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया में आग लग रही है और शुमाल मगरबी इलाके बदस्तूर जारी रहेंगे। अगरचे मौसम खिजा ठंडी रातें और कम बिजली के तूफान लाती हैं, एक हुकूमती बयान में कहा गया है कि जारी गर्म और खुश्क मौसम नई आग लगने का सबब बन सकता है और इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ मौजूदा बड़ी आग महीनों तक मुतहरिक रहेगी। टोरंटो सिटी काउंसिल ने संगीन मालियाती सूरत हाल से निमटने के लिए नए इकदामात की मंजूरी दे दी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो काउंसिल ने संगीन मालियाती सूरत हाल से निमटने के लिए नए इकदामात की मंजूरी दे दी। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाओ का कहना है कि यहाँ तक कि अगर शहर को अमले के जरिए बयान करदा तमाम रेवेन्यू टूल्स को अपनाना भी है, तब भी वो इतनी रकम पैदा नहीं कर पाएंगे कि तवील मुद्दती बजट की कमी को पूरा कर सके। चाओ की न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद काउंसिल ने शहर की माली सूरत हाल से निमटने के लिए कई इकदामात की मंजूरी दी। टोरंटो सिटी काउंसिल ने नए रेवेन्यू टूल्स की मंजूरी दी ताकि शहर की संगीन माली सूरत हाल को हल किया जा सके, क्योंकि इसे बजट के दबाव में $1.5 बिलियन का सामना है। एक खसूसी मीटिंग में काउंसिलर्स ने $3 मिलियन या इससे ज्यादा मालियत के घरों के म्यूनिसिपल लैंड ट्रांसफर टैक्स की शरह बढ़ाने और $5 घंटा स्ट्रीट पार्किंग की हद को हटाने के लिए इकदाम मंजूर किए हैं। लग्जरी घरों के लिए लैंड ट्रांसफर टैक्स में इजाफा यकम जनवरी 2024 से नाफजल अमल है। काउंसिलर्स ने शहर के अमले को गैर मुल्की खरीदारों की जमीन की मुंतकली के टैक्स को लागू करने, कमर्शल पार्किंग लीवी मुतारिफ कराने और खाली होम टैक्स को 1-3% तक बढ़ाने के मंसूबों पर रिपोर्ट करने की हिदायत करने का भी फैसला किया। इसके अलावा काउंसिलर्स ने ऑनटेरियो हुकूमत से शहर को म्यूनसिपल सेल्स टैक्स और या मौजूदा हम आहंग सेल्स टैक्स में कटौती के नफाज की इजाज़त देने का फैसला किया। इस तरह का टैक्स शहर के लिए सालाना $1 बिलियन तक कमा सकता है। वो टैक्स जो टोरंटो में सामान और खिदमात की खरीदारी पर लागू होगा, इसके लिए सूबाई मंजूरी और सिटी ऑफ टोरंटो एक्ट में तरमीम की जरूरत होगी। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाओ ने काउंसिलर्स पर जोर दिया कि वो माली बहरान से निमटने के लिए मिलकर काम करें। इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पिछले महीने के आखिर में इस मंसूबे की तौसीक की थी। हम जानते हैं कि हम एक साथ मजबूत हैं, उन्होंने बहस से पहले एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, और इसमें कोई तनाजा नहीं है कि हर काउंसलर ये समझता है कि टोरंटो सिटी बजट खसारे की सूरत हाल में है। चीन के जनूबी शहरों और हांगकांग में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है, जहाँ शहर की कई सड़कें और मज़ाफ़ाती इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
चीन के जनूबी शहरों और हांगकांग में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है, जहां शहर की कई सड़कें और मज़ाफाती इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि सन 1952 से लेकर अब तक के मुरतब करदा रिकॉर्ड के मुताबिक ये उस इलाके में होने वाली सबसे तबाहकुन बारिश है। मुतासरा इलाकों से अब तक 36,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बिजली और मवासलाती रबतों को नुकसान पहुँचा और तकरीबन 4,195 हेक्टर जरी जमीन डूब गई। स्कूल दूसरे दिन भी बंद रहे और मेट्रो और ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों ने मुतअद्दिद रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। जुमेरात की शाम 5 बजे से जुमे की सुबह 6 बजे तक शेंजन में औसतन 202 मिलीमीटर या 8 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह कम अज़ कम मजमूई बारिश का पानी 469 मिलीमीटर या 18 इंच तक जमा हुआ। समंदरी तूफान के बायस हांगकांग और शेंजन में शहरी इंतजामिया ने कारोबार और दफातर बंद करने समेत कई इंतजाम किए थे। मौसमियाती तब्दीली ने तूफानों की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है, जहां माहिरीन का कहना है कि मजीद बारिश की वजह से तबाहकुन सैलाब और साहिल को नुकसान पहुंच रहा है। हुकाम ने समंदरी तूफान की आमद से 1 हफ्ते कबल ही मुकामी शहरियों को खबरदार किया था कि तूफानी बारिशों के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी और उनको घरों में हिफाजती इकदाम की हिदायत की थी। हुकाम ने तूफान के लिए पहले ही शिद्दत वाले टाइफून की वार्निंग जारी कर दी थी, जिसके बारे में चीनी सरकारी मीडिया ने कहा था कि ये हौलाई से हांगकांग तक फैले हुए साहली इलाकों में लैंड फॉल करेगा। हांगकांग में मौसमियाती रसदगाह ने खबरदार किया था कि सावला इलाके के जुनूब में 100 किलोमीटर के अंदर तक आ सकता है, जिससे विक्टोरिया हार्बर के गिर्द तूफानी लहर उठ सकती है। रूस ने कहा है कि अमेरिका की यूक्रेन के लिए इमदाद और हिमायत से हमारे खसूसी फौजी ऑपरेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान क्रेमलिन ने अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन के दौरे यूक्रेन पर रद्दअमल देते हुए कहा कि कई बार ये बयानात सुने हैं कि अमेरिका यूक्रेन की मदद जारी रखने का इरादा रखता है। अमेरिका आखिरी यूक्रेनी तक ये जंग जारी रखने के हक में है। रूस ने कहा है कि अमेरिका की यूक्रेन के लिए इमदाद और हिमायत से हमारे खसूसी फौजी ऑपरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाजह रहे कि एंटोनी ब्लिंकन 2 रोज़ा दौरे पर यूक्रेन में हैं, जहां उन्होंने यूक्रेनी वजीर खारजा और सदर से मुलाकातें की और मजीद $1 अरब इमदाद का ऐलान किया। अमेरिका रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को 43.2 अरब की इमदाद दे चुका है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।